भाई तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अंधेरा क्यों है। तो भाई रात के बज रहे हैं 2 और मैं आया था पानी पीने के लिए, पानी पी लिया था तो सोचा यार आप लोगों से आज कर लूँ मुलाकात। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 2 बजे, तो चलते हैं अंदर इससे पहले पापा आवाज़ सुन के उठ जाएँ और आ जाएँ बाहर, और फिर जो हो वो आप लोगों को दिखाया ना जा सके इस वीडियो में। चलें चलते हैं रूम में और करते हैं बाकी की बातें वहीं से कंटिन्यू। तो भाई आ चुके हैं हम रूम में और अब हमें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है, क्योंकि यार मैं बाहर गया था पानी पीने के लिए, हो रहा था अंधेरा और सब सो चुके हैं। और मैंने सोचा यार अगर मैं वहाँ पे आप लोगों से करूँगा सलाम दुआ और अगर पापा उठ गए क्या होगा, तो इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। चल के बैठते हैं यार जगह पे जाकर और फिर आप लोगों से करते हैं कुछ बातें और करते हैं सलाम दुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज अन करीब 1 हफ्ते बाद हो रही है मुलाकात, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं टोपी पे टोपी कराए आ रहा हूँ और क्या मसरूफियत है ऐसी कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो वैसे तो मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ यार, मैं डिफरेंट रील्स आप लोगों को बना बना के दे रहा हूँ, और उन रील्स को बनाने में टाइम लगता है जो कि मैं एक्सपेरिमेंटल रील्स, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया यार कि इस तरीके की रील्स पे काम करें, तो मैं करने लगा था उन पे काम। और कुछ रील्स आप लोगों ने देखी होंगी और बहुत से लोगों ने पसंद भी करी, व्यूज़ से पता चलता है यार, और कितने लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, लाइक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट जारी है, माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी उन रील्स के ज़रिए बढ़ रहे हैं, तो काम अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं उस रील को बनाने में टाइम कितना लगता है, एक एक्सपेरिमेंट को करने में और उसके बाद उसको अप्लाई करने में। हमेशा ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टेक में वो सही हो जाए, तो उसको करना पड़ता है, उसको ट्राई करना पड़ता है, फिर जब वो फुली आपके हाथ पर आ जाता है तो फिर आप उसको इस वीडियो में कैप्चर करते हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि यार मैं फारिग हूँ और मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा हूँ और किस धंधों में लग गया हूँ, तो भाई आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि जिससे मेरी ऑडियंस पसंद कर रही हो उसको, तो जिस चीज़ को पसंद करेगी यार मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले मैं कुछ रील्स वगैरह बना रहा था जो कि दूसरे किस्म की थी, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी हुई है कि मैं उन किस्म की रील्स अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ अपनी रील्स का पैटर्न चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंटल रील्स बनाना शुरू करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो आप लोग यार सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, इसी तरीके से भाई को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो भाई व्लॉगिंग क्योंकि मेरा मेन कंटेंट था तो उसको भी नहीं छोड़ सकता, और कीड़ा काटता है मुझे हर थोड़े दिन बाद कि यार मैं कैमरा उठाऊं और शुरू कर दूं। लेकिन यार कुछ मसरूफियात इस किस्म की हो चुकी हैं कि ऑफिस भी है, ठीक है ना, और वाइफ की यूनिवर्सिटी लाइफ भी चल रही है, फिर कुछ इस किस्म के जो है ना मेरी मसरूफियात हैं कि यार मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो मैं बना तो लूँ, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं बना तो लूँ व्लॉग, लेकिन उसको एडिट करना, क्योंकि आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो जो थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं यूट्यूब से ज्वाइन है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपना पेज मोनिटाइज करा चुके हैं, मोनिटाइज करवाने के उसमें हैं और वो कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं, तो उनको पता होगा कि यार एक वीडियो को बनाने से लेके उसको अपलोड करने तक कितना टाइम लगता है और उसमें कितने स्टेप्स। तो भाई आसान नहीं होता, वीडियो सिर्फ क्लिक करने से और कैप्चर करने से व्लॉगिंग नहीं हो जाती, बल्कि उसको एडिट भी करना पड़ता है, और एडिटिंग एक बहुत ही जो है ना वो दिमाग से करने वाली चीज़ होती है। अगर आप सही नहीं करते, जितनी भी अच्छी आपने वीडियो बना ली हो, तो आप इस अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं जो भी कंटेंट बनाऊं उसको इससे तरीके से एडिट करूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिले। तो भाई कोशिशें जारी हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ, लेकिन यार मेरा ऑफिस भी होता है तो रात का, क्योंकि मेनली मेरा ऑफिस है तो यार टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ का, क्योंकि रात भर जॉब करने के बाद फिर 7-8 वैसे ही बज जाते हैं सोते सोते, फिर अगर दिन में कुछ काम हो तो उसके लिए उठ जाता हूँ, और अगर उसके बाद फिर सोऊँ तो फिर जब उठता हूँ तो ऑफिस का टाइम थोड़ी देर में होने वाला होता है, तो किसी चीज़ का भी टाइम नहीं बचता। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि यार किसी ना किसी तरीके से
व्लॉगिंग कर लूँ, एडिट कर लूँ, ये सब चीज़ें कर लूँ, लेकिन क्योंकि मेरी आजकल कम्युनिटी बेस जो है आना जाना जो है बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो उनकी भी जो सोशल मीडिया की सारी मैनेजमेंट है वो मैं खुद ही कर रहा होता हूँ, तो उसकी वीडियो कैप्चर करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना, ये सब चीज़ें करना भी मैं ही कर रहा होता हूँ, तो उसमें भाई अच्छा खासा टाइम लगता है और वो टोटली ज़िम्मेदारी वाला काम है। तो ये मेरा अपना ज़ाती काम है, वो पर्सनल काम पे यार वो जो काम पहले ज़िम्मेदारी वाला था उस पर मैं इसको तरजीह नहीं दे पा रहा हूँ आजकल, और क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी बहुत सालों से काम चल रहा है, तकरीबन 5 से 6 साल से मैं उस काम को रेगुलर कर रहा हूँ, तो उसमें भी जाहिर सी बात है जब एडिट करनी होती है वीडियो और अपलोड करनी होती है तो टाइम लगता है, तो आसान नहीं है यार चीज़ों को, मैं फिर भी मैनेज कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, रील्स मैं रेगुलर दे रहा हूँ, बीच में एक आध दिन का गैप भी आ जाता है, तो कुछ कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा होता तो इसलिए गैप आ जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खाऊँ यार, और आप लोग भी यार मुझे ना सजेशन दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि किस तरीके का कॉन्टेंट आप लोग देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि उस तरीके का कॉन्टेंट दिखाऊँ, और आज भी रात के 2 से 2:30 बजे मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कनेक्ट, क्योंकि यार अब मैंने सोचा कि यार मैं बहुत दिन हो गए और ऑफिस की वजह से उन सब चीज़ों की वजह से अभी भी मेरा करंटली ऑफिस चल रहा है यार, और मैंने 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक ली है, और मैंने सोचा कि यार छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक छोटा मोटा सा व्लॉग बनाऊं, पानी पीने बाहर गया था, जस्ट अभी एक कॉल आई हुई थी मेरे पास वो निमटी है, तो मैंने अभी बस रिपोर्टिंग की है, और सब चीज़ें रिपोर्ट करने के बाद बस मैंने सोचा कैमरा उठा के आप लोगों से 2-4 बातें कर लूँ और आप लोगों से हाय हेलो कर लूँ यार, आप लोग उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और बताया करें यार कमेंट्स वगैरह में कि कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और मुझे बताया करें यार कि अगर कोई चीज़ कॉन्टेंट आप चाह रहे हैं तो मैं वो इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा, तो ज़िंदगी का भाई बस यही हो गया, और ऐसे ही तेज़ी तेज़ी से गुजरी आ रही है यार, क्योंकि रात की जॉब है तो पता ही नहीं चलता, रात के बाद बस जॉब के बाद निमटता हूँ तो फजर हो जाती है, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया और उसके बाद फिर सोते सोते 7-8 हो जाते हैं, उसके बाद फिर उठो तो दिन पूरा ख़त्म हो चुका होता है, या अगर बीच में उठ जाओ तो हालत इतनी बुरी हो जाती है, क्योंकि यार रात की जॉब आसान नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मुझे अब अच्छा खासा टाइम हो गया तो मुझे आदत हो गई, अब जो छुट्टी वाला दिन होता है ना तो उस दिन भी रात को नींद नहीं आती मुझे, और वही सुबह हो जाती है सोते सोते, तो रूटीन कुछ इस किस्म का ही जो है ना वो शेड्यूल हो चुका है, तो कुछ नहीं कर सकते यार, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश है, और मैं कंटेंट आप तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे वो व्लॉग का हो चाहे वो रील्स के ज़रिए हो, मैं रहूँगा कनेक्टेड, तो आप भी सजेशन मुझे लाजमी दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ और क्या आप लोग मुझसे चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उस पर भी आपके सजेशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करूँगा, तो अभी एक मेरी मीटिंग है और मीटिंग फ़ौरन अटेंड करते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत आपसे और बातें करेंगे, और उसके बाद बस नमाज़ का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा और फिर सोना है, क्योंकि आज नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गया था, आज एक जगह मुझे जाना था, तो सोना भी है और सोना बहुत ज़रूरी है, तो मीटिंग लेकर और उसके बाद फिर आप लोगों से कुछ बातें करके फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। 2000 years later. तो भाई सीन ये है कि भाई मीटिंग हो चुकी है ख़त्म और ऑफिस का भी टाइम हो चुका है ख़त्म और बज रहे हैं 4:07 और मेरा ऑफिस एंड हो जाता है इस वक्त, तो बस मैं थोड़ा बहुत जो है ईमेल्स वगैरह चेक कर रहा हूँ कि जो आई हुई है लास्ट, और उसके बाद बस ऑफिस को करूँगा क्लोज, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत बातें करके आपसे, और पानी भी पियेंगे यार, प्यास भी लग रही है दोबारा, और उसके बाद हो जाएगा नमाज़ का टाइम, तो नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँगा, तो एंड कर दूँगा बस व्लॉग को, बस पानी पीकर वहीं से आप लोग आखिरी कुछ जुमले बोल के आप लोगों से जो है वो एंड करूँगा, इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, तो ऑफिस शो कर रहा हूँ क्लोज, और उसके बाद फिर आप लोगों से करता हूँ कुछ थोड़ी बहुत और बातें, और फिर करते हैं अल्लाह हाफिज़। तो भाई ऑफिस मैंने कर दिया है ऑफ और अब लग रही है प्यास मुझे, तो चल के पीते हैं पानी, तो जा रहा हूँ यार मैं पानी पीने के लिए, आप लोग इधर ही रहें, और फिर आप लोगों से या तो बाहर कनेक्ट करूँगा अगर रोशनी सही हुई या लाइट्स वगैरह ऑन कर सका, क्योंकि ऑलरेडी सब सो रहे हैं, लाइट ऑन करूँगा तो अब्बा उठ के बाहर आ जाएंगे, तो देखता हूँ जैसा पॉसिबल हुआ वैसा करूँगा, वरना यहीं वापसी आके सीट पर बैठ के आपसे कुछ थोड़ी बहुत बातें होंगी और फिर आज का व्लॉग हो जाएगा एंड।
तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शायद बाहर रोशनी मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन किचन की एक लाइट जल रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों को बाहर साथ ही ले आऊँ। पानी पीने के बाद करता हूँ थोड़ी बहुत बातें और उसके बाद फिर करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। तो भाई सीन ये है कि यार मैंने पानी पी लिया है और बस यार अब फिलहाल और कुछ नहीं है कहने को, बताने को और दिखाने को। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। इसी तरीके से व्लॉग की हुई थी शुरुआत और आज इसी तरीके से हो रहा है ये व्लॉग एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे व्लॉग में या फिर रील्स में तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी रहेगी। तो व्लॉग्स का भी मुझे आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो शायद मेरा अगर कहीं जाना हुआ, निकलना हुआ तो मैं फिर उसको कवर करूँगा, तो आप लोगों से फिर उसी वक्त हो सकेगी मुलाकात। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, दुआओं में याद रखिएगा, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भाई को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और भाई सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को देखा भी करें। यार ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिया करें, तो वीडियोज़ वगैरह जब आती हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तो भाई भाई की वीडियो को देख लिया करें, थोड़ी देर उसको लाइक शेयर वगैरह कर दिया करें, तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो लोग करते हैं उनका ऑलरेडी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो भाई इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई एक बात तो बताना भूल ही गया कि मुझे आज के दिन हो गया है 1 साल, और वो किस चीज़ को हो गया 1 साल वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिएगा साथ और इंतज़ार करें नेक्स्ट व्लॉग का, और फिर मैं आप लोगों को उस चीज़ का बताऊंगा और मैं बताऊंगा भी कि किस तरीके से वो मैंने चीज़ हासिल की थी, और आप लोग भी बहुत आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।